कैसे हो? तुम्हें पता है हमारे बैंक ने इस साल 3 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। सर, इससे पता चलता है कि हम प्रगति के पद पर अग्रसर हैं। अरे विनय, तुम्हें बधाई। सुना है कि तुमने कैनरा HSBC के साथ हमारी गठबंधित इंश्योरेंस कंपनी की कई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे OBC ग्राहकों को दिलाई है और इसके लिए तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। सर, इंश्योरेंस बहुत अच्छा अनुभव रहा। अब हम अपने कस्टमर्स को बैंकिंग के साथ इंश्योरेंस कवर भी प्रदान करते हैं। वाह विनय, अब कस्टमर हर साल अपना इंश्योरेंस प्रीमियम देकर अपने परिवार को सुरक्षा कवर प्रदान कर सकते हैं। सर, हर साल बीमा भुगतान करना जरूरी है? जरा डिटेल में समझा दीजिए। विनय, सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना ही हमारा फर्ज नहीं है, हमें कस्टमर्स को इंश्योरेंस रिन्यूअल की इम्पोर्टेंस भी समझानी चाहिए। मुझे आज भी याद है। परसिस्टेंसी यानी इंश्योरेंस रिन्यूअल हमारी गठबंधित इंश्योरेंस कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जितनी अच्छी रिन्यूअल उतना अच्छा ग्राहकों को लाभ एवं बैंक को मुनाफा। परसिस्टेंसी के प्रभाव ग्राहकों पर बुरे समय पर आर्थिक सहायता, परिवार को सदैव सुरक्षा, मन की शांति, बुरे प्रभाव, पिछले जमा किस्तों का नुकसान, बीमा आवरण की हानि। परसिस्टेंसी का बैंक पर प्रभाव सभी ग्राहक की जरूरत के लिए एक वित्तीय दुकान, वितरक बैंक के लिए आयोग, शेयर ग्राहकों के लिए पूंजी की वापसी, ग्राहकों के प्रति वफादारी के संभावित नुकसान, वित्तीय तनाव, कमीशन की वापसी। सर, हमारी इंश्योरेंस कंपनी ग्राहकों को रिन्यूअल पेमेंट के लिए किस तरह से अवगत कराती है? मिसेस अरोड़ा, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? विनय, नवीनीकरण किस्तों का भुगतान करने के लिए ग्राहकों को बैंक की तरफ से 3 प्रकार से सूचित किया जाता है। रिन्यूअल लेटर के द्वारा, SMS के द्वारा और कॉल के द्वारा। मैम, अगर ऐसा है तो हमसे किस तरह के सहयोग की अपेक्षा की जाती है? विनय, इंश्योरेंस कंपनी मुख्यतः 2 रूपों में सहयोग की अपेक्षा करती है। पहला, जब हमारे ग्राहक नवीकरण देने के लिए बैंक अधिकारी से सलाह मशवरा करने की इच्छा जाहिर करते हैं, तब हमें उन ग्राहकों को सही सलाह देकर प्रीमियम भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, जब हमारी बीमा कंपनी ग्राहक के संपर्क विवरण बदल जाने के कारण उन्हें संपर्क नहीं कर पाते, हमें ऐसे ग्राहकों के नवीनीकृत पता और संपर्क नंबर बीमा कंपनी को अद्यतन कराने चाहिए। ये सभी तरह की जानकारी हमारी इंश्योरेंस कंपनी ईमेल द्वारा हमसे सही समय पर आदान प्रदान करती रही है। बहुत अच्छा। अब ग्राहक तो रिन्यूअल प्रीमियम, चेक DD, शाखा में भुगतान और ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं, परंतु याद रहे, चेक या DD हो तो उसके पीछे पॉलिसी नंबर अथवा फोन नंबर लिखना ना भूलें।